यही बेगूसराय में हमने पूरा इसको मार्केट किया, इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए काम किया, पेप्सी का प्लांट खुला, बाहर से उद्योगपति आने लगे। अब यहाँ तो ऐसे फायरिंग हो रही है जैसे आतंकवाद के दिनों में पंजाब और कश्मीर में फायरिंग होती थी। 11 लोगों पर गोली चला दी गई, कई की हालत ख़राब है और कई इसमें देहांत भी हुआ है एक व्यक्ति का। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार किस दिशा की ओर जा रहा है? अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और ये अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाले जो लोग हैं उनको बिहार की जनता कभी क्षमा नहीं करेगी। लेकिन हम लोग विपक्ष में हैं, राजनीति नहीं करना चाहते। इस मुद्दे पर हम जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि बिहार में कानून के राज को मुख्यमंत्री जी को स्थापित करना चाहिए। रोज पटना में मोटरसाइकिल पर दो लोग जा रहे थे, दोनों को मार दिया। हर जगह गोली चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे गोली की बरसात हो रही है सब जगह। और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके मन में क्या छवि जाएगी? क्या हो गया हमारे बिहार को? किसकी नज़र लग गई है बिहार को? क्या होगा बिहार का? कैसे आएंगे बाहर से इन्वेस्टर? जो बिहार के लोग हैं जो पलायन कर गए थे अपराध को देखकर, आज उनको वही पुराना दौर नज़र आ रहा है।